हेलो लादू, आज बहुत दिनों बाद एमएडी तूंत की दंता क्लासरूम वाली वीडियो देख रही है। कुछ ऐटा कल जितने मजा आ जाए। अबे मेरे रहते मजे की फिक्र ना कर, मैं बड़ा ही मजेदार बच्चा हूँ। जब तक रहूंगा मजा देता रहूंगा। क्यों शीला, मैं हूँ ना मजेदार। बड़ा आया, अपनी बकवास बंद करो और ठीक से पढ़ाई पर ध्यान दो। तुम्हें मेरी बातें बकवास लगती हैं? और नहीं तो क्या, पूरे दिन जंगली सांड की तरह इधर उधर घूमते रहते हो और बकवास ही तो करते रहते हो। मैं अगर सांड हूँ तो तुम तो बिल्कुल गाय हो गाय। अरे कभी मिलो पार्क में अकेले, फिर बताऊंगा ये सांड कितना मजेदार है। मुझे नहीं मिलना तुमसे किसी पार्क वार्क में। तो कहाँ मिलोगी यही बता दो। बोलो तो ओयो का रूम बुक कर लूं। अपनी बकवास बंद करो, मुझे कहीं नहीं मिलना है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। अरे लडवा, तुम देर तक शोर क्यों मचा रहा है रे? अरे सर, वो लड्डू नहीं लोडू है, लोडू हमेशा लटका हुआ रहता है। अबे कैसी बातें कर रहा है बे? हाँ सर, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। तुम सही कहो या ना कहो, लेकिन सही साबित तो कर ही देते हो। खैर बताओ कैसे। देखो सर, ये लोडू की तरह डेस्क पर लटका रहता है, यानी सोया रहता है। ये देखो फिर सो गया। ठीक है ठीक है, छोड़ो इन बातों को। देखो बच्चों, लॉकडाउन के बाद स्कूल अब खुल गया है, अब मन लगाकर पढ़ाई शुरू कर दो। हाँ सर, मैंने तो सोच लिया है, इस साल खूब मन से पढ़ूंगी। शाबाश शीला बेटी। हाँ सर, अब मैं भी मन और तन दोनों लगाकर करूँगा, आप बस रोकना नहीं। क्या करने की बात कर रहा है बे? मैं पढ़ाई की ही बात कर रहा हूँ सर। ठीक है ठीक है। वैसे बच्चों, क्या तुम्हें पता है तुम्हारा भविष्य कहाँ है? हाँ सर। ठीक है, बताओ तुम्हारा भविष्य कहाँ है। सर, हमारा भविष्य हमारे हाथ में है। शाबाश बेटा, तुम तो बड़े समझदार हो गए हो। सुना बच्चों, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे ही हाथ में है। जितना मेहनत करोगे भविष्य उतना उज्जवल होगा। हाँ सर, मुझे भी जब पता चला कि हमारा भविष्य हमारे हाथ में है, तब से मैं अपने भविष्य को रोज अपने हाथ से संवारता हूँ। बहुत अच्छा, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि तुम्हारा भविष्य तुम्हारे हाथ में है? अब वो सर, जब मैं शौचालय में था वहीं पता चला। शौचालय में? ये कैसी बातें कर रहा है बे? हाँ सर, शौचालय की दीवार पर लिखा था आपका भविष्य आपके हाथ में है, मैं तभी समझ गया। और तब से मैं अपने भविष्य की खूब देखभाल करता हूँ। अबे कैसी बातें कर रहा है बे? अरे सर, आप भी ना एक नंबर के ढकलोल हो। आपने वो गाना नहीं सुना? नन्ने मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, मुट्ठी में है तकदीर हमारी। सही कहा बे, हमारा भविष्य हमारी मुट्ठी में ही है। आज से मैं भी यही बोलूंगा कि मेरा भविष्य मेरी मुट्ठी में है। सर, वो तो आपको देखकर ही पता चल जाता है कि आप एक नंबर के मुठबाज हो। ठीक है ठीक है, लेकिन ये बताओ कि अगर लड़कों का भविष्य उनके मुट्ठी में होता है तो लड़कियों का भविष्य कहाँ होता है? सर, लड़कियों का भविष्य उनकी उंगलियों में होता है। उंगलियों में? हाँ सर, क्योंकि मुट्ठी में पकड़ने के लिए उनके पास तो कुछ होता नहीं है, तो उनको उंगलियों से ही काम चलाना पड़ता है। अबे कैसी अश्लील बातें कर रहा है बे? सर, मैं अश्लील बातें नहीं कर रहा, आपको अश्लील लगता है तो मैं क्या करूं? कैसी अश्लील बात नहीं है बताओ? सर देखो, लड़कियों का भविष्य उनके पति के हाथ में होता है, होता है ना? तो इसमें उंगली कहाँ से आ गई? अरे आप सुनो तो सही, बीच में ही मेंढक की तरह टपक पड़ते हो। ठीक है बताओ। देखो सर, लड़कियों का भविष्य उनके पति के हाथ में होता है, जो लड़की को अंगूठी पहनाकर शादी करता है, और अंगूठी तो उंगली में ही पहनाते हैं ना, इसीलिए तो लड़कियों का भविष्य उनकी उंगलियों में होता है। अरे चुप कर बे, मैं किस भविष्य की बात कर रहा था और तुम लोग किसकी बात करने लग गए? सर, ये लफंगे ऐसे ही बातें करेंगे? मैं बताती हूँ हमारा भविष्य कहाँ होता है। ठीक है शीला बेटी, तुम बताओ। सर, हमारा भविष्य हमारे
वैसे ही फल उस हाथ में मिलेगा। बिल्कुल सही, शाबाश शीला बेटी, शाबाश। सीखो रे नालायकों, कुछ सीखो शीला से। ठीक है सर। अच्छा शीला, मैं तुम्हें इस हाथ से प्यार देता हूँ, तुम उस हाथ से मुझे भी प्यार दो। प्यार? और तुम्हें? देख लिया सर, शीला नहीं दे रही है। क्या सर, शीला प्यार नहीं दे रही है, शीला अपने ज्ञान से भटक रही है। शीला अपने ज्ञान से भटक रही है? हा? वो कैसे भला? देखो सर, शीला ने अभी कहा कि जो इस हाथ से दोगे वही उस हाथ में मिलेगा। हाँ तो अब मैं उसे इस हाथ से दे रहा हूँ तो वो नहीं दे रही है। क्या नहीं दे रही है? प्यार। जब मैं एक हाथ से प्यार दे रहा हूँ तो उसे भी बोलो ना कि दूसरे हाथ से प्यार वापस दे। सर, इस राजू के बच्चे से कहो अपना मुंह बंद करे, नहीं तो पहले ही दिन इसका स्वागत लाकर भूसे से हो जाएगी। स्वागत तो आज जरूर होगा, लेकिन तुम्हें छेड़ने का अपना ही मजा है। तुम लोग क्या स्वागत और मजे की बात करने में लग गए, मैं तो परेशान हो गया। सर, परेशान होना आपका और परेशान करना हमारा मूल धर्म है। वैसे आप परेशान हो गए हो तो बैठकर थोड़ा आराम कर लो, हम कौन से भागे जा रहे हैं, आराम से पढ़ा लेना। हाँ बिल्कुल सही कह रहा है तुम, थोड़ा बैठ ही जाता हूँ। अरे मोरी मैया, अरे मर गया रे, अरे मेरा पाँव टूट गया रे। लगता है सर का पाँव गया, अब तो कुछ दिन छुट्टी ही छुट्टी। अत्ता, तो तुमने तूती कुलती लगा दिया था। अरे मोरे मैया, अब पैर टूट गया मेरा रे। क्या सर, अभी अभी तो स्कूल अनलॉक हुआ है और आप फिर से लॉकडाउन पे जा रहे हैं। सर, अब कुछ दिन आराम करो बेड पर और हमें भी आराम करने दो।